हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे शार्डोने के बारे में। एंड शार्डोने, अगर आपको जानते हैं, दैट्स अ वाइन ग्रेप। किस टाइप का ग्रेप है, कहाँ का नेटिव है, क्या ओरिजिनेशन है, कैसे वाइन पेयरिंग हम लोग कर सकते हैं शार्डोने वाइन से फूड की, एंड कई और अलग अलग चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड, बिकॉज मैं लास्ट में एक फन फैक्ट भी बताता हूँ। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। एंड अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, सो वेलकम टू माई चैनल। मेरा नाम है हर्ष और आप देख रहे हैं वाइन्स गुरु इंडिया, जहाँ पर आपको वाइन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से। सो लेट्स गेट टू द वीडियो नाउ। सो अगर हम शार्डोने की बात करें, तो शार्डोने इज द वाइल्ड ग्रेप वराइटल। वाइन ग्रेप्स के रेंज में आता है ये, एंड इट्स अ वाइट ग्रेप वराइटल। वाइट ग्रेप, रेड ग्रेप, दो अलग अलग टाइप के होते हैं, टेबल ग्रेप्स, वाइन ग्रेप्स। सो आप मेरा वीडियो चेक कर सकते हैं वाइन ग्रेप्स एंड टेबल ग्रेप्स पे, अगर आपको ज़्यादा डिटेल चाहिए अबाउट कि क्या होते हैं टेबल ग्रेप्स, क्या होते हैं वाइन ग्रेप्स, एंड हाउ डू यू प्रोनाउंस इट, बिकॉज इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट फॉर द वाइन ग्रेप्स। कभी कभी ऐसा होता है कि कई अलग अलग वाइन ग्रेप्स हम लोग उसके टर्म्स नहीं बोल पाते। सो हाउ इट इज़ प्रोनाउंसड, आई विल टेल यू दैट एज वेल। सो इट इज़ अ शार्डोने। हाउ डू यू प्रोनाउंस इट? शार्डोने, शार्डोने, शार्डोने। सो दैट्स हाउ यू प्रोनाउंस इट। स्टोरी सजेस्ट करती हैं कि रोमन्स जो थे वो गुएब्लों ग्रेप लेके आए क्रोएशिया से, विच वॉज वेरी वाइडली ग्रोन ग्रेप देयर। एंड जब वो फ्रांस में लेके आए, उन्होंने क्रॉस कराया पिनो नोवार एंड गुएब्लों को। सो दैट्स वाई द वर्ल्ड गॉट शार्डोने। एंड अलग अलग क्लोनल वेराइटीज़ भी आपको इसकी मिल जाएंगी थ्रू आउट द वर्ल्ड, अलग अलग रीजन्स में, फ्रांस, अर्जेंटीना, USA, ऑस्ट्रेलिया। शार्डोने आपको मैक्सिमम वाइन ग्रोइंग रीजन्स में मिल जाएगा। सो अलग अलग वाइन रीजन्स होते हैं, ओल्ड वर्ल्ड एंड न्यू वर्ल्ड। आपको चाहिए तो आप वीडियो चेक कर सकते हैं, ओल्ड वर्ल्ड एंड न्यू वर्ल्ड वाइन का मैंने एक वीडियो बनाया था, जस्ट टू गेट अ ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। सो यू कैन चेक दैट वीडियो आउट एज वेल, मैं आई कार्ड सेक्शन में वो डाल दूंगा। एंड अगर आप बात करें शार्डोने एज अ ग्रेप की, सो बेसिकली इट्स अ वेरी पॉपुलर ग्रेप। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो वाइन कंज्यूम करते हैं, उनको शार्डोने के बारे में पता होता है। एंड जस्ट टू लेट यू नो, शार्डोने इज वन ऑफ द मेजर ग्रेप इन मेकिंग ऑफ अ शैम्पेन एंड मेजॉरिटी ऑफ द स्पार्कलिंग वाइन इज वेल। सो अगर आप कहीं पे ब्लॉन्ड ही ब्लॉन्ड देखते हैं, दैट इज लाइक मेजॉरिटी ऑफ द टाइम इट शुड बी, दे शुड बी यूजिंग शार्डोने। एंड इफ यू टॉक अबाउट शैम्पेन मैन्युफैक्चरिंग, शैम्पेन इज वेरी पॉपुलर अमंगस्ट एवरीवन इन द वर्ल्ड। तो शैम्पेन में भी अमंगस्ट थ्री मेजर ग्रेप्स, पिनो नोवार एंड पिनो म्यूनियर, थर्ड ग्रेप जो यूज होता है, दैट इज अ शार्डोने। अब हम बात करेंगे कि ये ग्रेप कहाँ कहाँ ग्रो होता है। सो मेजॉरिटी, जैसे मैंने आपको बताया कि इट इज़ ग्रोन इन फ्रांस। शार्डोने आपको हर जगह यूजुअली मिल जाएगा। मेजॉरिटी ऑफ द वाइन मेकिंग और वाइन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में शार्डोने ग्रो होता है। दे आर मेकिंग सम गुड वाइन्स आउट ऑफ शार्डोने। इफ़ यू टॉक अबाउट फ्रांस, फ्रांस में कोदोर एंड शाबली इज़ वन ऑफ द प्लेसेस जहाँ पे एक जहाँ पे शार्डोने ग्रो होते हैं। एंड मखोने इज़ वन ऑफ द रीजन्स इन फ्रांस, अगेन जहाँ पे एक आपको अच्छी वाइन्स आउट ऑफ शार्डोने देखने मिलती है, टेस्ट करने मिलती है। पुई फुइसे इज़ वन ऑफ द ग्रेट अपलेशंस रीजन्स जहाँ पे आपको बहुत ही लाइक वर्ल्ड क्लास लेवल ऑफ शार्डोने मिलेगा। एंड अगेन इफ़ यू टॉक अबाउट ऑस्ट्रेलिया, सो एडलेड हिल्स, यारा वैली, मार्गरेट रिवर, दीज आर ऑल द रीजन्स इन ऑस्ट्रेलिया जहाँ पे आपको अच्छी शार्डोने देखने मिलती है, टेस्ट करने मिलती है। एंड प्रोडक्शन इसका बहुत अच्छा होता है इन जगहों पे। इफ़ यू टॉक अबाउट चिले, यू विल गेट कासाब्लांका वैली, लिमारी वैली एंड मेंडोजा अर्जेंटीना में आपको ये देखने मिल जाता है। USA में भी इट्स वन ऑफ द मेजॉरिटी लाइक मेजरली प्रोडक्शन इस शार्डोने का होता है इन USA। यू कैन से रशियन रिवर वैली, देन नापा वैली, दिस आर द मेजर रीजन्स जहाँ पे शार्डोने ग्रो होते हैं, जहाँ पे इसकी वाइन बनती है। सो अगर अभी तक आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, सो जस्ट गिव इट अ थम्स अप, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो फ्रेंड्स एंड लेट देम नो मोर अबाउट वाइन्स। एंड अगर आप बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट करेंगे, सो यू विल बी गेटिंग माई वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले। सो कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल एज वेल। सो अगर आप बात करते हैं शार्डोने इन द विनयार्ड्स, सो शार्डोने इज़ अ वेरी अडेप्टेबल ग्रेप, विच इज़ वाई, जैसे मैंने आपको मैंशन किया कि आपको मेजॉरिटी ऑफ द वाइन प्रोड्यूसिंग नेशंस रीजन्स में आपको ये ग्रेप मिल जाएगा। इट्स वेरी अडेप्टिव, इट अडेप्ट्स टू द क्लाइमेटिक कंडीशंस। टेरवा जो है उस पर ये अडेप्ट कर लेता है, बीट एनी कूलर क्लाइमेटिक रीजन, वार्मर क्लाइमेटिक रीजन और मे बी अ लिटिल हॉटर क्लाइमेटिक रीजन। सो इट्स अ वेरी अडेप्टेबल ग्रेप एंड विच इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ वाइन मेकर्स ग्रेप। एंड द रीज़न, बिकॉज वाइन मेकर कैन यूज़ द टेरवा
use the wine making technique to take the wine what he wants to take the grapes basically to make the wine what he wants to make, and they can use different wine making techniques so that different flavor profile, flavor characters usko milte hain, winemaker ko milte hain out of the grape if they are getting from say cooler climatic region, warmer climatic region or a hot climatic region. Tino regions mein aapko thode characters jo hain wo different milenge as compared. And due to this tendency of adaptability, ye jo grape hai ye second most white wine grape, like it's the second most planted white wine grape and around the world, and it's the fifth most planted grape around the world as well according to the study made by the University of Adelaide. Jaise maine mention kiya ki Chardonnay is considered as a winemaker's grape, so the winemaker considers this Chardonnay as a blank slate because they can draw whatever they want, however they want, according to their preference, according to the final product which they prefer. And couple of things जो कि matter करती हैं इसके characters को determine करने में, वो है malolactic fermentation और malolactic conversion, या फिर इसके जो barrel contact है उससे. So malolactic conversion जो होता है, या फिर MLF, MLC जो हम लोग बोलते हैं in like our language, it is basically the conversion of harsher malic acid into the softer lactic acid. So अगर आपको चाहिए I should make a different and specific video upon या फिर on malolactic fermentation या malolactic conversion, just drop a comment down and let me know if you want to have that video so that मैं थोड़ा आपको detail में समझा पाऊँगा what is MLF या फिर MLC. Coming back to the video, if you talk about, so ये दो चीज़ें determine करती हैं कि उसमें malolactic conversion हुआ है कि नहीं, malic acid lactic acid में convert हुए हैं कि नहीं. Majority of the red wine जो बनती है उसमें ये MLF या फिर MLC होता है, but in whites it is not that obvious and not that regular. Chardonnay में ये MLF, MLC conversion they can do it. They can also use oak barrel for fermentation or for aging. So जो उसका जो toastiness मिलता है, जो vanilla flavor मिलते हैं, जो characters आपको मिलते हैं, nutty characters मिलते हैं, वो because of the barrel contact की वजह से मिलता है. And also it depends कि वो जो yeast ferment हो रहा, like yeast से जो fermentation हो रहा है, अगर वो रहता है कुछ time के लिए, that is known as solely या फिर on the lees. So कितने time तक रहता है, that also depends, that also derives the characters like buttery characters and you can say fuller mouthfeel जो रहता है, creamy mouthfeel, creamy characters जो मिलते हैं आपको wine में या फिर Chardonnay में specifically, वो barrel contact या फिर on the lees की वजह से होता है. अगर आप characteristics की बात करते हैं कि किस characters या फिर किस climatic condition में इसके characteristics किस type के रहते हैं, so if you talk about cooler climatic region like France, so वहाँ पे आपको थोड़ा सा higher acidity मिलती है because ripeness will be on a lower side because of less sunlight, and that's why you get some pear, green appleish kind of lemony characters and high थोड़ा सा high acidity level रहेंगे. And if you come to a moderate climatic condition जहाँ पे आपको थोड़े से adequate amount of sunlight मिल जाती है, you will be getting some riper fruits comparatively and riper aromas आपको मिलती हैं, and थोड़ा सा acidity level भी low to medium हो जाता है. And if you talk about high या फिर hot climatic condition, high temperature जहाँ पे रहता है, बेसिकली क्या होता है, राइपनेस थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, एसिडिटी लेवल थोड़े से मॉडरेट हो जाते हैं, लो हो जाते हैं कंपेरेटिवली, एंड यूल गेट सम अरोमास लाइक राइप फ्रूट, राइप्ड ट्रॉपिकल फ्रूट्स, मैंगो, पाइनएप्पल एंड इस टाइप के आपको उसमें अरोमास मिलते हैं, मे बी फ्लेवर्स मिलते हैं. सो अगर आप इसके फूड पेयरिंग की बात करते हैं, तो Chardonnay जैसे मैंने आपको बताया इज़ अ वेरी अडेप्टेबल ग्रेप, एंड मेजॉरिटी ऑफ द रीजन में आपको ये ग्रेप देखने मिल जाता है. सो इट टोटली डिपेंड्स कि किस रीजन से, किस क्लाइमेटिक कंडीशन से ये ग्रेप आ रहा है, क्या इसमें टेक्निक्स यूज़ हुई हैं, विच डिटरमिन्स कि आप किस फूड के साथ आप इसको पेयर कर सकते हैं. सो इट गोज़ विद द वैरायटी ऑफ फूड्स, लाइक सी फूड के साथ जाता है ये, एंड यू कैन ऑल्सो पेयर इट विद सम गुड ग्रिल्ड मीट्स एंड पोल्ट्री, लाइक चिकन के साथ ये जा सकता है, रिजोटोस के साथ भी इट गोज़ रियली वेल. सो ये सारी चीज़ों के साथ आप इसको पेयर कर सकते हैं इजीली. सो लेट्स मूव टू द फन फैक्ट फॉर द डे, एंड आज का जो फन फैक्ट है दैट इज़ जो Chardonnay नाम आया, दैट केम फ्रॉम अ कम्यून इन फ्रांस नियर मैकॉन. सो दैट इज़ इट फ्रॉम माई साइड फॉर टूडेज वीडियो. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, सो जस्ट गिव इट अ थम्स अप, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड पुश दैट बेल आइकन एंड ऑल पर सेलेक्ट कीजिए सो दैट आपको मेरे वीडियो नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन मिलते रहें सबसे पहले। एंड कोई कमेंट्स, क्वेरीज, सजेशंस, क्वेश्चंस हैं तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। आई डेफिनेटली गो थ्रू इट एंड आई रिवर्ट टू इट एज सून एज पॉसिबल। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली एंड जय हिंद।